नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई एंकर सवाल करते थे कि आखिरकार बीजेपी की 240 सीट आने से क्या फर्क पड़ गया है, मोदी जी तो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, विपक्ष वाले बेवजह खुश हो गए हैं, आखिरकार क्या बदल गया है। तो बदल ये गया है कि पीएम मोदी और बीजेपी का गुणगान करने वाले, सत्ता से डरने वाले चेहरे अब कांग्रेस के लिए खुलेआम वोट मांग रहे हैं। जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा, जिनके चैनल ने लगातार मोदी मोदी करने का काम किया और सिर्फ पीएम मोदी का पीआर नहीं किया, किसान आंदोलन में नेगेटिव रिपोर्टिंग की, विपक्षी दलों को लगातार नीचा दिखाया, उस चैनल के मालिक अब कांग्रेस के लिए खुलेआम वोट मांग रहे हैं। ये सुभाष चंद्रा हरियाणा चुनाव में नलवा से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंच गए और चुपचाप वोट नहीं मांगे, पब्लिक के बीच तो भाषण दिया ही, साथ ही अपने चैनल पर खबर भी चलाई कि देखिए मैं कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, जी न्यूज ने बाकायदा खबर चलाई है, सुभाष चंद्रा जनता के बीच भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी आपका जमकर विकास करेंगे, चंद्र प्रकाश जी को वोट दीजिए। आगे वो कहते कि चंद्र प्रकाश जी आपके विकास का पूरा ध्यान रखेंगे, अगर कोई कमी रह जाएगी तो मैं आपके काम करूंगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए खुलकर मैदान में आ गए सुभाष चंद्रा। इसके अलावा एक और पोस्ट करते हैं, हिसार से किसका समर्थन कर रहे हैं सुभाष चंद्रा। ये सुभाष चंद्रा ने बाकायदा एक और पोस्ट किया, जैसा मैंने सबसे वायदा किया था, हिसार विधानसभा में जनता और हिसार के लिए श्रीमती सावित्री जिंदल उपयुक्त और सही उम्मीदवार हैं। हालांकि मैं बीजेपी समर्थक परिवार से हूं, फिर भी एक निर्दलीय के लिए मतदान की अपील कर रहा हूं। बीजेपी का समर्थन करना मेरा निजी विचार है, परंतु हिसार के लोग और ये शहर मेरा है, इसीलिए इसके प्रति भी मेरा एक धर्म है। इसीलिए हिसार के वोटर्स से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सावित्री जिंदल को वोट दें। यानी बीजेपी की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल के लिए वोट मांग रहे हैं सुभाष चंद्रा। कुछ दिन पहले इन्होंने एक और पोस्ट किया था कि बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता का मेरे पास फोन आया, मेरे से समर्थन मांगा, मैंने साफ इनकार कर दिया। यानी खुलकर बीजेपी उम्मीदवार को इनकार भी करते हैं और सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा भी खुद करते हैं कि देखिए मैंने बीजेपी उम्मीदवार को दो टूक जवाब दे दिया। यानी सुभाष चंद्रा पीएम मोदी और बीजेपी को खुली आंखें दिखा रहे हैं। जो सुभाष चंद्रा बीजेपी की कृपा से कभी राज्यसभा पहुंचे थे, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल कटाक्ष करते हैं और क्या कहते हैं, समय ही बलवान होता है। जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। एक समय था जब वो बीजेपी और पैन की शाही की मदद से राज्यसभा के सदस्य बने थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आदेश रावल ने जिस पैन की शाही का जिक्र किया वो ये है कि जब सुभाष चंद्रा राज्यसभा पहुंचे थे तो बीजेपी का तो उनको खुलकर समर्थन था, कांग्रेस के कई वोट कैंसिल कर दिए क्योंकि दूसरे पैन का इस्तेमाल कर लिया था कांग्रेस के विधायकों ने। इसमें कई लोगों ने कांग्रेस के विधायकों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया, तो कईयों ने इसे नाइंसाफी बताया और चुनाव पर ही सवाल उठाए थे। लेकिन ये पूरा मामला दिखाता है कि सुभाष चंद्रा जैसे लोग सभी पार्टियों में बढ़िया सेटिंग रखते हैं, वक्त के हिसाब से पाला बदल लेते हैं और अब सुभाष चंद्रा कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं जब कांग्रेस प्रत्याशी के लिए खुलकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि दोस्तों, पलटी तो बहुत सारे नेता मारते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब मीडिया चैनलों के मालिक के हिसाब से एडिटोरियल पॉलिसी बनने लगती है, निष्पक्ष पत्रकारिता की बजाय मालिक के निर्देश अनुसार पत्रकारिता होने लगती है, तभी हमारी मीडिया की रैंकिंग इतने नीचे गिर जाती है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।